और मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल चाल? तो हाल अगर आ चुका है तुम्हारा भाई एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई एकदम खतरनाक वाला ट्रेनिंग बताने वाला है जो आप लोगों को करना चाहिए। एंड मैं जो करता हूँ डेली, वो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब कुछ यहाँ पर बताने वाला है, कितने आप लोग ना 15 मिनट के अंदर, एकदम बोले तो 1 घंटे जो आप लोग वेस्ट करते हो ना ट्रेनिंग ग्राउंड में, वो आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ बिल्कुल 15 मिनट के अंदर। तो बस यार, आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आते एक लाइक जरूर से कर देना। तो भालू गया, तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वाला वीडियो बना रहा है, मतलब 2 दिन इसमें लग गया है। तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाना है एंड अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक नहीं करते एक बार लाइक कर दो एंड चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मेरे भाई लोग, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आप लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाना है, ट्रेन पे जाना है, कस्टमाइज पे जाना है एंड 200+ कर देना है। ऐसे करने के बाद आप लोग को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आप लोग को सबसे पहले अपना जो एम है ना, वो इसके ऊपर ले जाना है हेड पे एंड ट्रेस करना है। तो जैसा गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मेरा जो एम है वो एकदम प्रॉपर इसके हेड पर है। एंड ऐसे अगर आप लोग कुछ देर करोगे तो आपका जो एम है वो एनिमी के ऑटोमेटिक हेड पर चला जाएगा। ऐसे में आप लोग एनिमी को मार भी सकते हो, मतलब ये वाला आप लोग को 2 से 3 मिनट करना है। ऐसे करने से आपका जो एम है वो आराम से जा सकता है एनिमी के हेड पर। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया ट्रेनिंग है। तो अपना सेकंड ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आप लोग को आ जाना है। एंड ये जो आप लोग चलता हुआ देख लेना, बिल्कुल जिगल जैसा मूवमेंट हो रहा है। तो अब आप लोग को यहाँ पर आने के बाद ट्रेन पे करके कस्टमाइज कर देना है, 170 पे कर देना है। एंड जो नीचे मूवमेंट स्पीड है उसको भी आप लोग को 170 पे कर देना है। एंड यहाँ पर इतना होने के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। अब जो भी सामने की तरफ एम वाला घूम रहा है ना, उसको गाइस आप लोग को ट्रेस करना है एंड हेड पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आराम से मार सकते हैं। हेड पे एम लो एंड आराम से आप लोग फायरिंग करके मारो। तो ऐसे करके आप लोग का जो हेड पे है एम काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होगा। एंड साथ ही साथ जो मूवमेंट होता है ना, जो भी बंदा जिगल देता है साथ ही साथ, वो भी आप लोग मार पाओगे, हेड के साथ आप लोग मार पाओगे। तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ऐसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपका एम भी बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है एंड साथ ही साथ आप लोग का जो मूवमेंट है एंड भाई साथ ही साथ आपका जो एम है, दोनों एक साथ इम्प्रूव होगा। तो भाई लोग, आप लोग का ये वाला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। आप लोग ये 5 मिनट कर सकते हो आराम से, 2-3 बार कर सकते हैं इसको। तो चलो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अब ये मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा हद तक आप लोगों का काम आने वाला है एंगल के अंदर। तो गाइस जैसे आप लोग देखे होंगे, लास्ट सर्कल में ऐसा ऐसा बन जाता है और वहाँ पे आप लोग को लेटना पड़ता है, दूर से एनिमी आते हैं तो आप लोग को लेट कर फिर उठ कर मारना पड़ता है। तो वही यहाँ पर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं मार रहा हूँ। गाइस कभी लेटने का सिचुएशन हो जाता है फिर खड़े होकर मारने का, ऐसे में एनिमी को आप लोग को नहीं दिखना होता है। तो ये प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ऐसे करके अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो रूम वगैरह जो भी कस्टम होता है उसमें आप लोग आराम से बंदे को नॉक कर सकते हो और बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो ये ट्रेनिंग आप लोग कर सकते हो 5 मिनट। तो गाइज आप लोग बस इसको फॉलो करना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। एंड तो चलो यार, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से यार लाइक कर दो। अब गाइज जब भी हम लोग चलते चलते देखते हैं कि एनिमी सामने की तरफ से हम लोग को फायरिंग देके मारने की कोशिश कर रही है, तो ये प्रैक्टिस से आप लोग उसको टक टक हेड मार के एकदम नॉक डाउन कर सकते हो। तो भालू बस यार आप लोग को इसका प्रैक्टिस करना है, मतलब आप लोग को चलते चलते आने हैं एंड इस पे आप लोग को हेड पे प्रैक्टिस करना है, मतलब सीधा आप लोग को एम इसके हेड पे लेना है। ऐसे करने से आप लोग का जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एम अच्छा से जाने वाला है एंड साथ ही साथ आप लोग का जो स्प्रे है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होने वाला है। तो बस यार आप लोग को इसका 3 से 4 मिनट करना है, तो यार आप लोग का आराम से ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है प्रैक्टिस। तो चलो पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब गाइस अगर आप लोग के दूर से एनिमी आ रहे हैं, उसको आप लोग को ट्रांसफ़र करना है हेड या फिर गाइस आप लोग का एम ट्रांसफ़र करना है, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। तो ये आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो, मतलब गाइस देख सकते हो यहाँ पर जैसे कोई बंदा है तो उसके हेड पर कुछ इस तरीके से स्पीड आप लोग को प्रैक्टिस करना है, मतलब गाइस थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र करना है। ऐसे करके जो भी स्क्वाड रहेगी सामने की तरफ वो आराम से मर जाने वाले हैं एंड साथ ही साथ गाइस आप लोग का प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। जैसे यहाँ पर स्किन्स वगैरह खेलते हो तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा बंदे एक साथ आते हैं, तो उसको आप लोग आराम से एक साथ मार सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस है, आप लोग ज़रूर से यूज़ करना। तो चलो पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब गाइस आप लोग को यहाँ पर आ जाना, इस वाले पत्थर के पीछे छुप जाने। छुपने के बाद आप लोग को अब कवर वाला प्रैक्टिस करना है, मीन्स के गाइस यहाँ पर आप लोग को छुप जाने, पत्थर के पीछे आप लोग को छुप जाना एंड जो भी सामने तरफ एनिमी आता है ना, मतलब आप लोग हल्का सा पिक लेकर या फिर ऊपर से आप लोग कैसे एकदम क्विकली मार सकते हो उसको, तो कुछ इस तरीके से आप लोग मार सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं मार पा रहा हूँ। तो ऐसे ही काफ़ी बार होता है आप लोग किसी पत्थर के पीछे होते हैं, सामने की तरफ से कोई एनिमी आ रहा होता है
तो उसको आप लोग कैसे मारते हो, मतलब यार पूरा का पूरा कवर से निकल के मारते हो, लेकिन ये वाला प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग आराम से पिक करके या फिर ऊपर की साइड से मार सकते हो। ऐसे एनिमी को भी समझ नहीं आएगा, एकदम सीधा नॉक हो जाएगा या फिर सीधा लॉबी में मुलाकात होगी हमारी, तो ऐसा ही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मीरा मार खेलते हो आप लोग, ये वाला नाम मीरा मार काफ़ी ज़्यादा काम आता है रिच पे खेलने का। एंड यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये रिच है, एंड यहाँ पर सामने की तरफ से जो भी एनिमी आ रहा है उसको आप लोग हल्का सा गाइज आप लोग उठ के कैसे मार सकते हो एकदम आराम से, मतलब उसको समझ नहीं आएगा कि कौन मेरे को उठ के एकदम एक सेकंड में मार गया। तो भाई लोग बस यार आप लोग को इसका ध्यान रखना है। एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि कितना आराम से मैं यहाँ पर मार पा रहा हूँ, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग को 3 से 4 मिनट कर लेना है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग मीरा मार खेलते हो ना तो इसकी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई लोग आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये वाला प्रैक्टिस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मीरा मार में। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग कस्टम रूम स्क्रिप्स वगैरह खेलते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग का ज़रूरत आने वाला है। अब गाइज ये वाला प्रैक्टिस ना आप लोगों को कार स्प्रे के लिए चाहिए, मतलब जो भी कार सामने की तरफ से जाता है आपके पास स्कोप लगा रहता है ना, तो आप लोग कैसे उस वाले कार को गिरा सकते हो, मतलब उसका जो खिड़की होता है ना उस पर कैसे एम एकदम सीधा ले सकते हो, कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैं ले पा रहा हूँ, तो वैसे ही आप लोग को यहाँ पर लेना है जैसे यहाँ पर मैं लेकर दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करते हो ना तो मान के रखो कोई भी एनिमी का गाड़ी जा रहा है, जो सीधा गाड़ी जा रहा है ना, तो उसके खिड़कियों पे आप लोग कुछ इस तरीके से एकदम सीधा स्प्रे मार सकते हो, तो ऐसे पूरी की पूरी स्क्वाड आप लोग आराम से गिरा सकते हो। तो अब ये वाला प्रैक्टिस आप लोग करना है, सबसे पहले आप लोग को आ जाना इस वाले बॉट में एंड यहाँ पर हेलमेट वेस्ट उतार देना एंड आप लोग को लेवल 3 पे कर देना, और यहाँ पर हेड ही सिर्फ लगने वाला है, तो इसमें आप लोग का हेड का प्रैक्टिस होने वाला है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग समझ के होगे। तो इसमें ना इतना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हेड लगेगा, और हेड का प्रैक्टिस करने में ना भाई लोग काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पर प्रैक्टिस करते रह जाते हैं लेकिन नहीं होता। लेकिन गैस अगर आप लोग ये वाला ट्रेनिंग ग्राउंड पे आते हो तो आपका हेड का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा आराम से इतने जल्दी टाइम पर हो जाएगा कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो टीडीएम में जितने भी फ्रेंड खेलते हैं 1v1 वो भी सोचेंगे तेरा इतना ज़्यादा हेड कैसे लग रहा। तो भाई लोग यार आप लोग समझ के होगे, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है बट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मुश्किल होगा, बट आप लोग यार थोड़ा कोशिश करना है एंड साथ ही साथ हेड का प्रैक्टिस बस कर लो, बड़े बड़े यूट्यूबर को भी आप लोग मार सकते हो। तो हेड यार आप लोग का एम बस आना चाहिए एंड ये वाला गाइज आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो भाई लोग यार आप लोग समझ गए होंगे, तो भाई लोग यार बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग मैं उनके साथ वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर गाइज, लव यू गाइज, दुआ में याद रखना।